नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं करिश्मा। दोनों सीटों पर आज सुबह से ही गिनती शुरू हो गई है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान की बात करें तो कुशेश्वर स्थान में आरजेडी आगे चल रही है। वही तारापुर की बात करें तो तारापुर में जेडीयू आगे चल रही है। दोनों सीटों पर मुकाबला काफी ही जोरदार है। तारापुर में मुकाबला काफी टक्कर का है, जहां आरजेडी के अरुण शाह है तो वही जेडीयू के राजीव कुमार हैं। अभी बता दे तारापुर से तो तारापुर से जेडीयू आगे चल रही है, और कुशेश्वर स्थान की बात करें तो कुशेश्वर स्थान से आरजेडी आगे चल रही है। तारापुर से जो अरुण कुमार है राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, उनको 2977 वोट अभी तक मिले हैं। वही जेडीयू के राजीव कुमार सिंह को 3201 वोट मिले हैं। अभी तक की जो नतीजे हैं वो यही रुझान सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको कुशेश्वर स्थान सीट की बात करें तो कुशेश्वर स्थान सीट में अमन भूषण हजारी जनता दल यूनाइटेड के जो उम्मीदवार हैं उनको 9331 वोट मिले हैं। वही गणेश भारती राष्ट्रीय जनता दल से कुशेश्वर स्थान के 9696 वोट उन्हें अभी तक मिले हैं। कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, अमन भूषण हजारी पीछे चल रहे हैं, यानी कि ज़्यादा वोटों का फिलहाल अभी अंतर नहीं है। और तीसरे नंबर पर लोक जनशक्ति पार्टी की उम्मीदवार अंजू देवी है कुशेश्वर स्थान से। आपको बता दें कि आज सुबह से ही मतगणना शुरू हो चुकी है। दोनों विधानसभा सीटों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच इन दोनों सीटों पर मतदान सुबह से ही चल रहा है। पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। काउंटिंग सेंटर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जा रही है। तो आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान सीट से गणेश भारती आगे चल रहे हैं, वही अमन भूषण हजारी अभी पीछे चल रहे हैं जो जेडीयू के उम्मीदवार है, और 365 वोटों से आरजेडी के उम्मीदवार कुशेश्वर स्थान से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि तारापुर सीट से जेडीयू अभी आगे चल रही है। जैसा ये कयास लगाया जा रहा था कि तारापुर से आरजेडी की जीत पक्की है, लेकिन यहाँ तो बाजी जेडीयू मार रही है। जो अभी तक के रुझान सामने आए हैं उसमें तारापुर सीट से जेडीयू आगे निकलती हुई नजर आ रही है, लेकिन कुशेश्वर स्थान सीट में आरजेडी ने अपना कब्जा बनाया हुआ है। आपको बता दें कि मतदान में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो इसको लेकर आरजेडी की पैनी नजर बनी हुई है। कुशेश्वर स्थान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कैंप कर रहे हैं, वही तारापुर में जगतानंद सिंह पहुंचे हैं कि गिनती में किसी तरह की गड़बड़ी न हो। 3 बजे तक नतीजे सामने आ जाएंगे, देखना होगा कि इसमें जीत किसकी होती है। बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पर लाइक करना न भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।